may I come in? Yes, come in. Divya, अपने बारे में कुछ बताइए. सर, माय नेम इज दिव्या मोरंदानी. आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली एंड आई कंप्लीटेड माय स्कूल एजुकेशन फ्रॉम सेंट जोसेफ कोएड स्कूल. देन आई मूव टू बैंगलोर टू कंप्लीट माय अंडर ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम केली सोसाइटीज लॉ कॉलेज. देन आई फर्दर परस्यूड माय मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे एंड प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी फ्रॉम एनएलआईयू भोपाल. एंड माय फादर इज इनटू बिजनेस, उनका सैनिटरी का बिजनेस है. And they are settled in Delhi. Okay. So, Divya, आपके कुछ hobbies? I love to travel and cooking. जैसा Divya आपने बताया अपने बारे में, आपने बेंगलुरु से अपनी ग्रेजुएशन करी है. जी सर. So, वहाँ पे अभी कन्नड़ लैंग्वेज को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? Sure, sir. मुझे इन डिटेल तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मैटर पे, बट यस, मुझे इतना ब्रीफ पता है कि वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने ये रूल दिया है कि 60% ऑफ द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड एवरीथिंग, कन्नड़ा लैंग्वेज में होने चाहिए सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के. सो यस. ओके. सो दिव्या, कौन सा सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया? सर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपके कोर्ट में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना रोल रहेगा? सर, ऐसे बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. कुछ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा जाता है, जैसे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल या इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है. आप मुझे संविधान का प्रीएम्बल बता सकते हो? सर, मुझे ऐसे वर्ड टू वर्ड पूरा प्रीएम्बल तो मेमोराइज नहीं है, बट प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है. इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड यस. ओके. अच्छा, हमारे प्रीएम्बल का सोर्स क्या है? सॉरी, आइडिया नहीं है. ओके, ठीक है. इसके अलावा और कोई लॉ जो आपने पढ़ा हो? सर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ओके. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझाएंगे क्या आप मुझे? सर, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करी गई है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की. इट स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल एंड बिकम्स वॉइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड यस. अच्छा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड contract becomes void mein kya difference hai? Sir, a void is not enforceable before the court. Uska koi existence nahi hota hai, that is a void contract. And illegal contract due to some circumstances wo illegal ho jata hai, jaise agar maine koi ek agreement kara hai to commit a murder, that is a illegal or unlawful contract. मैं किसी अग्रीमेंट में एंटर हुई टू कमिट अ थेफ्ट, दैट इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसी कुछ चीजों की वजह से दैट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इलीगल. ओके. सो दिव्या, बताएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया हुआ है? सर, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी गई है एंड बेनेट कोलमैन एंड हमदर्द दवा खाना, ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो मेरे मेमोरी में अभी हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19. ये जब अपन इंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, चूंकि आपने बेंगलोर की बात बताई थी, तो यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? सर, एक्चुअली जब मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी बैंगलोर में, तब से ये बहुत पुराना केस है, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना ही पता है कि ये दो स्टेट्स के डिस्प्यूट, कावेरी रिवर डिस्प्यूट दो स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है, दैट इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका. और काफ़ी लंबे टाइम से ये इशू चल रहा है और बहुत सारे पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट और आम जनता को भी इस चीज़ से बहुत अफेक्ट हुआ है इस डिस्प्यूट से. कोर्जन के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, कोर्जन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होता है कोर्जन. कोर्जन इज बेसिकली एन अनलॉफुल, व्हेन एनी अनलॉफुल एक्ट इज कमिटेड व्हिच इज फॉरबिडन अंडर आईपीसी,
with respect to unlawful detention of the property or threatening to detain the property in an unlawful manner. That is influencing a person to enter into an agreement without his consent, that is unlawful consent is involved in that with respect to property. Divya, theft or extortion ke beech mein kya difference hai? Sir, एक कॉमन चीज़ तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में सबसे पहले ये है कि वो प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंसेस की अगर बात करें, थेफ्ट में देयर इज टेकिंग अवे ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट, एंड एक्सटॉर्शन में इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर एनी साइंड और सील्ड डॉक्यूमेंट विच कुड बी कन्वर्टेड इंटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर होता है. ये बेसिक डिफरेंस है अमंग थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. एंड एक्सटॉर्शन और थेफ्ट दोनों में कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होती है. ये एक कॉमन चीज़ है दोनों में. दिव्या, आपने जैसे बताया कि आपने मास्टर्स परस्यू किया है, तो आपका डिसर्टेशन किस में था एंड आपके मास्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं. सर, मेरा मास्टर्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स था एंड डेजर्टेशन का टॉपिक मेरा ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड था. बेसिकली उसमें आई डेल्ट एंड प्रूव्ड माय हाइपोथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू जो भी ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है, उसमें कॉपीराइट किस किस तरीके से सबसिस्ट करेगा, क्या उसका ओरिजिनैलिटी होगी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एंड उस क्या कब वो इन्फ्रिंजमेंट होगा उस वर्क का, उसके साथ मैंने डील करा था अपने थीसिस में. ओरिजिनैलिटी ऑफ वर्क क्या होता है कॉपीराइट में? सर, ओरिजिनैलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कॉपीराइट लॉ में. जैसे कि हम कहते हैं कि आइडिया कैन नॉट बी कॉपीराइटेड बट एक्सप्रेशन कुड बी कॉपीराइटेड. तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता. एक ही आइडिया से लेके एन नंबर ऑफ वर्क्स कुड बी डिवाइड और डिराइव्ड और उसमें कॉपीराइट सब्सिस्ट कर सकता है. इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सप्रेस कैसे करा है अपने अपने काम को, उसमें क्या ओरिजिनैलिटी फैक्टर है, उसमें कॉपीराइट दिया जाता है, ना कि आइडिया में. तो सिर्फ ओरिजिनल फैक्टर होना चाहिए आपके काम में. एक काम मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, हम सेम आइडिया पे काम कर सकते हैं, बट अगर हमारा एक्सप्रेशन अलग है तो मुझे भी कॉपीराइट मिलेगा एंड आपको भी अपने वर्क में कॉपीराइट मिलेगा. ओके, थैंक यू. सो आंसर एनी क्वेश्चन? थैंक यू. ओके, इट वाज अ नाइस डिस्कशन. थैंक यू सर. विद रिस्पेक्ट टू लाइक योर डिमीनर्स एंड ऑल, तो दिव्या, लाइक आपने जिस तरह से क्वेश्चंस के आंसर किए, दैट वाज क्वाइट गुड. बट क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम पे हम ये चीज महसूस कर सकते थे, आपके हाथ के बहुत सारे मूवमेंट्स रहे. तो दिस कैन बी अवॉइडेड बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ये आपकी एंजाइटी को शो करते हैं. तो हाथ को आप लैप पे रख सकते हैं, अपने घुटनों पे रख सकते हैं थ्रू आउट. दिस शोज कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा. थोड़ा सा चिन ऊपर रखिए. एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्स ऑल्सो, लाइक आप कोशिश करिएगा, इफ यू हैव अ फ्रेमलेस स्पेक्स तो आप वहाँ पे फ्रेमलेस स्पेक्स को पहन सकते हैं. एक चीज आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि जब भी आप आंसर करें तो सवाल पूछे जाने के बाद थोड़ा सा आप गैप लीजिए, आंसर को फ्रेम करिए. कई बार क्या होता है, आंसर हमें पता है बट हम क्योंकि फ्रेम नहीं करते उस चीज को, तो हम सही बात डिलीवर नहीं कर पाते. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, आंसर को फ्रेम करो, उसके बाद आंसर करो, क्योंकि आप वहां पर समय ले सकते हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय लग भी रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मैं कुछ समय ले सकता हूं क्या, आपको परमिट करेंगे, आप अपना जवाब फ्रेम करके फिर आंसर करिए. एंड वन मोर थिंग, आपका जैसे जो आपका डिसर्टेशन का टॉपिक था, यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक ऑफ द डिसर्टेशन, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सौरभ सर ने भी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछा, तो गिव आंसर्स ऑफ दीस क्वेश्चन विद सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मिटी. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन है जैसे बताया कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, दैट वुड बी गुड, अदरवाइज इट वाज ऑल गुड. श्योर सर, थैंक यू. अभी थोड़ा टाइम है, आप इन चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. थैंक यू.